कैंप का सॉरी पंजवा दिन है। कई बच्चे इतने जो चार दिन नहीं आए, कई एक दिन पहले दिन आए सन, फिर उस तो बाद गायब हो गए। सिंसियरिटी नहीं है, सोच रहे हो फ्री च कोई पढ़ा रहा है, कोई कैंप लग रहा फ्री, सानू कि असं कि पैसे दते हैं। आकाश बंसल जो तुम लखा रुपए दे के उ ट्यूशनस लेंगे हो, पर इतने तुम्हें फ्री तुम कोई अगर पढ़ा रहा, लेकिन थोड़े को चीज़ नहीं है कि असी कुछ सीख सकी। सैशन स्टार्ट करने तो पहले जो असी रोज़ाना सतगुरों वालों बख्शे हुए मूल मंत्र का जाप करते हैं, सारे बच्चे अपने अपनी अखा बंद करके हाथ जोड़ के आओ मूल मंत्र का जाप करिए। ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वैपं गुरप्रसाद वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो अज साडा पहला जो इम्यूनो मॉड्यूलेशन ते डॉक्टर अमरदीप कौर आप जी नूं दसणगे कि किवें असी अपनी इम्यूनिटी नूं वधाना है, किस तरह असी अपने शरीर नूं बुस्ट रख सकते हैं। तुसी पिछले कई लैक्चरां च ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन बारे सत्कारयोग डॉक्टर साहबाना पासों सुनिया है, आज अपनी इम्यूनिटी किस तरह बढ़ाना है तो आप जी दसणगे डॉक्टर अमरदीप कौर जी। मैं उन्होंने बेनती करांगा स्टेज पे आ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। किवें हो सारे बच्चे, हो ठीक हो? सच्चे सच्चे सुनाओ, तुहानू कुछ मज़ा आ रहा? साडे लैक्चर बोरिंग तो नहीं लग रहे? सही गल दसो, समझ आ रही है? कुछ बेनीफिट हो रहा? ठीक है, कोई गल नहीं, समझ आती ग्रुप में साडे नंबर हैगे, तुसीं सानू कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है? कोई भी गल पूछनी होवे, सिर्फ कैंप दी ही गल नहीं है, कैंप खत्म होने तो बाद भी ऑलवेज वेलकम। कोई भी तुहानू हैल्थ रिलेटिड इशू है, ठीक है, तुसी सानू आयुर्वेदिक हॉस्पिटल आके कदे भी मिल सकते हो, असी तीनों जने उत्थे ही मिलांगे तुहानू, ठीक है? तो कल तुसी डॉक्टर हरबख्श का टॉपिक सुनिया सीगा, कोविड है ना, कोविड असी 2 साल तो देख रहे हैं, तो जदों का कोविड चल रहा है आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बच्चों नू पता है इम्यूनिटी वर्ड सारे ने सुनिया होएगा, है ना? किन्ने बच्चों ने सुनिया, रेज योर हैंड्स। इम्यूनिटी सारे ने सुनिया, तो पता इम्यूनिटी का मतलब की है, जानते हो? कोई भी एक जना वॉलंटरली मैं दसो इम्यूनिटी का तुम की मतलब समझते हो, की होंगे इम्यूनिटी दसो। हाँ जी, शाबाश, वेरी गुड। साढ़े बॉडी के अंदर जिहड़ी क्षमता, व्याधि क्षमत्व कहिंदे उहनू, ठीक है? व्याधि का मतलब होंदा है बीमारियाँ, कोई भी किस्म की बीमारी, तो क्षमत्व क्षमता उहदी बॉडी की जिहड़ी एक पावर है ना, जिहड़ी बीमारी के अगेंस्ट लड़दी है। आप पिक्चर वेखते पए हो, है ना, वो इतना शील्ड लैके खड़ा है, जिहड़े उत्थों वायरस आ रहे ने, जिहड़ी वह शील्ड है ना, वह की है, साडी इम्यूनिटी है ना। तो अज असी गल करांगे इम्यूनो मॉड्यूलेशन की। इम्यूनो मॉड्यूलेशन का मतलब की है, किद्दां असी अपनी इम्यूनिटी नूं वधा सकते हैं, ठीक है? असी इहदे बारे गल करांगे। सब तो पहले देखो बच्चे, फस्ट स्लाइड है इम्यूनिटी ते इहदी टाइप्स दे बारे,
इम्यूनिटी पता है, हुण पता लग गया कि बॉडी दी ओ पावर जिहड़ी कि बीमारियां तो सानू बचाउंदी है। कोई भी बाहरों कोई फॉरन बॉडी, जिद्दां हुणे वायरस की गल है, कोविड वायरस तुहानू अटैक करता है, जदों करता सानू पता नहीं लगता। पता कदों लगता, साडा बॉडी का इम्यून रिस्पोंस उहदे अगेंस्ट जाके कोई साइन ते सिम्पटम सानू दिंदा है, बुखार लग गया है ना, खांसी लग गई कुछ इदा, फिर सानू समझ आता कि सानू ते वायरस ने अटैक करता है, तुहाडी इम्यूनिटी उहदे अगेंस्ट एक रिएक्ट कर गई। ठीक है, तो इम्यूनिटी की टाइप्स देखो, इननेट ते अडैप्टिव। अडैप्ट दा मतलब असी समझदे ना, कोई चीज़ असी लै रहे हैं, इननेट इननेट साढ़े अंदर बनी हुई, ठीक, जिहड़ी तुहानू जन्म तो ही मिलेगी, तो जिदा तुहाडे जीन्स तुहाडे क्रोमोसोम्स विच होएगी, तुहाडे पेरेंट्स जे बीमार रहेंगे, तुहाडी जिदा आप कहिंदे हेरिडिटरी डिजीज़ होंदियां ने, फैमिली च रन करदियां ने, जे एक फैमिली च ट्यूमर की प्रॉब्लम है तो किसी ना किसी अगे किस जनरेशन विच हो ही जाती है। तो वो इननेट इम्यूनिटी उही है जिहड़ी तुसी अपनी फैमिली अपने मदर फादर तो अपनी कुल जाति तो तुहानू मिलती है, एक इननेट इम्यूनिटी जिहड़ी तुहानू जन्म तो ही मिली होंदी है, तुहाडे डीएनए च रन करती है। अडैप्टिव इम्यूनिटी जिहड़ी है उहदे च नैचुरल ते आर्टिफिशियल है। ठीक है, अडैप्टिव जिहड़ी आपां बाहरों असी अडैप्ट करते हैं अपनी बॉडी की इम्यूनिटी नूं इनक्रीज़ करन लई, बाहरों असी कोई चीज़ लै रहे हां, उहदे विच पैसिव ते एक्टिव है नैचुरल च। ठीक है, पैसिव च देखो मैटरनल वर्ड लिखा हुआ, मैटरनल का वर्ड का मतलब होंदा है मदर, मैटरनल इज वट एवर इज रिलेटिड टू योर मदर इज मैटरनल, वट एवर इज रिलेटिड टू योर फादर इज पैटरनल। तो मैटरनल जो है वो की है, जो एक फीमेल बच्चे नू कैरी करती है फीटस नू, ते वो फीटस उहदी बॉडी नाल जुड़िया हुंदा है विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। ठीक है, फिटल सर्कुलेशन होंदी है, अंदर भी बच्चा खा पी नहीं रहा बट फिर भी सरवाइव कर रहा है ना, तो वो मदर दे थ्रू उहदे अंदर एक इम्यूनिटी आती है। जो एक फीमेल प्रैगनेंट होंदी है वो 8-9 महीने जिहड़े बच्चे नू अपने अंदर कैरी कर, वो 9 महीनों उहदी डाइट वो की लै रही है, किहड़ा किदां दे वो काम कर रही है, उहदी हैल्थ किदां रहिंदी है ना, वो बच्चे की इम्यूनिटी ते भी बहुत फर्क पैंदा उहदा। ठीक है, उहनू फॉलिक एसिड दिता जांदा है, उन्होंने आयरन दिती जाती है, ये सारिया चीज़ा इंपॉर्टेंट ने क्योंकि बच्चे की जड़ी फॉर्मेशन होंगी है वो दे ब्रेन की फॉर्मेशन लई, कोई वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट ना आए, बच्चा बिल्कुल हैल्दी पैदा होवे, इस करके फीमेल नू 9 मंथ्स का प्रोटोकॉल रहिंदा है, फॉलिक एसिड होर इंजैक्शन भी लगते हैं, टीटी लगता है, डीटी लगता है ना, वो सारिया चीज़ा बच्चे नू भी कितने ना कितने जाके इम्यून रखदियां ने। तो एक्टिव इन्फेक्शन, जिदा कोई सानू इन्फेक्शन आती है, सानू उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट एक बॉडी च रेजिस्टेंस आ जाती है क्योंकि सानू उहदे एंटीबॉडीज जिहड़े ने अंदर एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हुंदा, फाइट हुंदी है एंटीजन ते एंटीबॉडीज की, तो वह बॉडी के अंदर एक रिस्पोंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो सैकेंड टाइम जो तुहानू इन्फेक्शन दोबारा हुंदी है ना, तो तुहानू बहुत ज़्यादा सिवियरिटी नहीं उहदी उहदी जिहड़ी सिवियरिटी होएगी ना, वो फेस नहीं करनी पएगी। सेम जिहड़ा हैगा कोविड का सिचुएशन है, लोग कहिंदे ने वैक्सीन जरूरी नहीं, असीं क्यों लगवाईए, इहदे ते वेरियंट ही अलग अलग आ रहे ने, है ना, असीं क्यों लगवाईए, लेकिन नहीं, गलत गल है। तुसी पैदा होए हो, तुहानू BCG का इंजैक्शन लग्या होएगा सारे तो पहले, तुहाडी बाजू ते मार्क होएगा। ठीक है, घर जाके अपनी अपनी मम्मा तो पुछो, तुहाडे वो कार्ड पे होंगे, 16 साल तक के बच्चे सारे इंजैक्शन तुहानू लगे हुए आ, यू आर ऑलरेडी इम्यूनाइज्ड। ठीक है, पोलियो बारे BCG ट्यूबरकलोसिस नू लैके MMR DPT उहदे च बहुत सारिया लिखिया होनगियां, तुहानू सारी इम्यूनाइजेशन लगी हुई है, तो वह कादे वास्ते लगी हुई है, सो दैट तुहानू अगे वो इन्फेक्शन ना हो, जे इनकेस कदे हो भी जांदियां तुहाडी बॉडी उन्हों फाइट कर सके, ऑलरेडी तुहाडी बॉडी च वो सिस्टम पा दिता गया जिहड़ा तुसी फाइट कर लोगे। ठीक है, तो कोई भी इन्फेक्शन होण तो बाद जिहड़ी एक इम्यूनिटी बॉडी च बन जाती है, दैट इज़ एक्टिव नैचुरल। दैन आर्टिफिशियल विच पैसिव एंटीबॉडी ट्रांसफर ते एक्टिव हो गया इम्यूनाइजेशन। पैसिव च एंटीबॉडी ट्रांसफर होई कि जिद्दां तुसी बीमार होंदे हो तुसी दवाइयां खांदे हो, एंटीबायोटिक लै ली है ना, कफ सिरप लै ली, वो लै ली, वो की है, वो उस जिहड़ी तुहानू प्रॉब्लम होई है उहदे अगेंस्ट तुसी कोई चीज़ बाहरों लै रहे हो ताकि उहदी जिहड़ी अंदर इन्फेक्शन है उहनू खत्म किया जाए। ठीक है, तो तुसी वो पैसिव एक एंटीबॉडी ट्रांसफर कर रहे हो बॉडी च। सैकेंड इज़ तुहाडी इम्यूनाइजेशन की जिहड़ी मैं गल की है, वह जिहड़ी इम्यूनाइजेशन है ना वो तुहानू अगे फाइट करन च, ठीक है, लाइफ च कोई भी तुहानू डिजीज़ होंदी है, तुहानू रोटा वायरस की लगी होएगी वैक्सीनेशन, जिदा डायरिया कॉलरा, एक क्यों, क्योंकि जदों असी पैदा भी नहीं होए सी, ईवन
शायद मैं भी नहीं बहुत पहले कदे सुनते हैं जी प्लेग जिदा कोविड का ये पेंडेमिक होया इदा प्लेग का होया सी होर भी किसी डिजीज़ का तो वो उस टाइम फिर हौली हौली जिदा हूँ कोविड की वैक्सीन आ गई इदा उस टाइम भी ये सारी वैक्सीन आई सगिया ठीक है। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल WHO ने फिर ता ही बनाया कि सारे बच्चों ये फ्रॉम बर्थ टिल 16 ईयर्स ऑफ देर एज वो वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम लगनिया ने ठीक है। तुम जाके अज अपने अपने कार्ड मंगो अपनी मदरस तो देखो तो वह कार्ड सामभ के रखो क्योंकि नाओ इन दिस प्रेजेंट एरा तुम कि भी जॉब लैन जाना ना तो इम्यूनाइजेशन का कार्ड मंगया जाता है ठीक है। उन्होंने सामभ के रखियो मैं तुम दस रही हूँ। दैन नैक्सट इज साड़ी बॉडी इम्यून सिस्टम किदा काम करता है। ये ना कुछ सैल्स ने ये साड़ी बॉडी डिफरेंट डिफरेंट तरीके काम करते हैं ठीक है। जिदा मैक्रोफेजिस ने न्यूट्रोफिल्स मास्क सैल बेसोफिल मैमोरी टी सैल नैचुरल किलर सैल इन हूँ इस स्टेज पर खड़े होकर मैं हर एक के बारे नहीं दस सकती बस इन्ना जान लो कि टाइप्स ऑफ सैल्स ने जो थोड़ा मिल के एक एक आर्मी खड़ी करते हैं ठीक है अगेंस्ट द इनफेक्शंस। हुण तीन टाइप की इम्यूनिटी होंगी है। हुण असी पढ़ लिया कि देख लिया बई मॉडर्न के अकॉर्डिंग इननेट इम्यूनिटी अडैप्टिव इम्यूनिटी है ठीक है। हुण आयुर्वेद की कहता सहज बल कालज बल तो युक्तिकृत बल। सहज होया जिदा असी पिछे पढ़िया मदर तो सानू मिल रही है इननेट इम्यूनिटी आ रही है ठीक है एक कंजनाइटल या नैचुरल इम्यूनिटी है। कालज होया जिहड़ा टाइम सीजन तो एज नाल वो मैं तुहानू जदों रितु चरिया समझाया सी मैं तुहानू दस्या सी ना केड़ी ऋतु विच बल ज़्यादा हुंदा है केड़ी विच मीडियम हुंदा है केड़ी विच सब तो ज़्यादा घट हो जाता है ना। एक कालज काल दे अकॉर्डिंग टाइम दे अकॉर्डिंग नाल जिद्दां तुसीं बीमार हुंदे हो तुहाडी बॉडी वीक हो जाती है तुसीं नहीं बीमार तुसीं हैल्दी हो यू आर ऑलवेज एंथुसियास्टिक तुसीं हर काम एक्टिवली करोगे कालज का उही मतलब है। फिर एज दे नाल छोटा बच्चा है वो ज़्यादा एक्टिव हुंदा देखिए बच्चे भजदे ही रहिंदे हाथ नहीं आते फिर तुहाडी एज विच तुसीं भी एक्टिव होंदे हो फिर जिद्दां असीं वधदे जांदे आ विद एज हुण बजुर्ग तुहाडे दादा दादी दौड़ सकदे ने जिद्दां तुसीं दौड़ सकदे हो नहीं क्योंकि उहनां दी बॉडी विद टाइम वीक हो गई है। युक्तिकृत दा मतलब है तुसीं कोई आइडिए नाल युक्ति नाल अपनी सोच नाल तुसीं कुछ बनाया है ठीक है एक्वायर्ड ते ओह युक्तिकृत भी उही होई जिहड़ा तुहाडा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उहनूं तुसीं इहदे विच कंसीडर कर सकदे हो। इम्यूनोमोड्यूलेशन का की मतलब है कोई भी प्रोसैस जिहड़ा तुहाडी बॉडी दे इम्यून रिस्पोंस नूं पॉजिटिव या नैगेटिव वे विच ऑल्टर करता है किसी भी तरह की ड्रग की एडमिनिस्ट्रेशन नाल तुसी कोई भी ड्रग्स लै रहे हो कोई भी कंपाउंड्स लै रहे हो खाना भी खा रहे हो वह भी तुहाडी इम्यूनिटी ते पॉजिटिव नैगेटिव रिस्पोंस देगा कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो पॉजिटिव नैगेटिव रिस्पोंस देगी तुहाडी बॉडी ते ठीक है। दैन इम्यूनोमोड्यूलेटर होंगे ने वो सबसटांस जेडे कि तुहाडी बॉडी नू बॉडी की इम्यूनिटी नू या तो स्टिमुलेट करते हैं या सप्रैस कर देंगे ने वो होंगे ने इम्यूनोमोड्यूलेटर्स ठीक है। फिर इम्यून सिस्टम नू स्ट्रोंग करने लिए की करना चाहिए बहुत ही जड़िया सिंपल गल्लां ने उन्हें एक रेगुलर एक्सरसाइज करो बैलेंस डाइट लवो स्ट्रैस मैनेजमेंट बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी तुहानू स्ट्रैस होएगी तुहाडा कोर्टिसोल लैवल शफल हो जाएगा ठीक है। जिदा ही वो कोर्टिसोल हारमोन थोड़ा गड़बड़ होएगा तुहाडी बॉडी बहुत साइड इफेक्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे BP शुगर तुहाडी मैटाबोलिज्म हर चीज़ ते वो जो स्ट्रैस एंजाइटी कुछ भी होंगी है ना कोर्टिसोल सब तो पहला एक हारमोन है जिहड़ा तुहाडा अपना काम करना शुरू हो जाता वो एक्टिव हो जाता बॉडी से नचना स्टार्ट कर देता कि वाह वाह हुण तां मैनू कुछ मिल गया करन नू फिर वो एकदम नैगेटिव रिस्पोंसिस देना शुरू कर देगा ठीक है। तो इस करके स्ट्रैस नहीं लैनी कदे स्ट्रैस नहीं रहनी कोई भी काम है शांत होकर बैठो 2 मिनट विचार करो कि होया की है तो मैं किदा टैकल करना है परेशान नहीं होना पैनिक नहीं होना क्वेश्चन पेपर आया सामने तुसी पैनिक हो जाओगे जिहड़ी तुसी साल की मेहनत की तुसी भूल जाना है हारमोन ने अंदर गड़बड़ कर देनी है इस करके एंगजाइटी नहीं लैनी ठीक है। हेल्दी हैबिट्स जिन्या भी होनगियां तुसी उन्ने हेल्दी रहोगे तुहाडा इम्यून सिस्टम भी वधिया काम करेगा। दैन पावर योर इम्यून सिस्टम विद द फूड अपनी डाइट विच वो कंपोनेंट्स ऐड करो जिन्हें कंपोनेंट्स विच प्रोटीन होवे वाइटमिन ए होवे फोलेट होए वाइटमिन सी वाइटमिन डी तुसी धुप्पे सवेर की धुप्प लैके भी काम चला सकते हो ठीक है। वाइटमिन ई सेलेनियम जिंक ये सारे जिहड़े फूड कंपोनेंट्स ने ना ये तुहाडे फूड च होने चाहिए ने बट इनकेस नहीं हैगे
ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ ਵੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਲਟੀਵਾਈਟਮਿਨਸ ਐਡ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਾਇਣ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਰਸਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰਬ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਯੂਥਫੁੱਲਨੈਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਇਮਿਊਨ ਰਿਸਪੋਂਸ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇ। ਦੈਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਡਕਟ ਅਤੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਲੜਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਚੋਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਿਮਾਰ ਪਵੋਗੇ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰ ਦੀ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਗਿਵ ਯੂ ਅ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕੰਪਲੀਕੇਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਸੱਚੀ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿੱਧੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਕੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਕੰਡਕਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਪੀ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਅਚਾਰ ਰਸਾਇਣ, ਅਚਾਰ ਰਸਾਇਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਵੇ ਹੈ ਇਮਿਊਨੋਮੋਡੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਵ੍ਰਿਤ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਗੁੱਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਅਤੇ ਸਦਵ੍ਰਿਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੁੱਡ ਮੈਂਟਲ ਕੰਡਕਟ, ਗੁੱਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੰਡਕਟ, ਗੁੱਡ ਪਰਸਨਲ ਕੰਡਕਟ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਲ ਕੰਡਕਟ ਅਤੇ ਗੁੱਡ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਕੰਡਕਟ। ਫਰੋਮ ਦਾ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਡੇ ਆਫ ਦਿਸ ਸਮਰ ਕੈਂਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿੰਦਰ ਸਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੇਰਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। Everyone is trying to tell you about a good behavior, kyunki good behavior hi hai jehda tuhanu successful leke jayega, theek hai। Hun assi dekhange good mental conduct vich ki aanda hai, lobh shok bhay krodh maan vegan dharet, eh ayurved sanskrit jo bolde aa, lobh, you know lobh ki hunda hai, read with me, greed hai na, lalach, kise bhi cheez da lalach, ਗਰੀਫ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੀ ਨੋਕੀਆ 1110 ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਪਲ ਆਈਫੋਨ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਐਟਲੀਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਕੋਗੇ, ਉੱਪਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਐਂਡ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਰੈਡੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੇ ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਿਓ, ਸਨਮਤ ਬਖਸ਼ੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਅਤੇ ਫੀਅਰ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਡਰਦਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੁਛ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਡਰੇਗਾ ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਡਰੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਡੱਟ ਕੇ ਬੋਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਡੱਟ ਕੇ ਕਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਡਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਅਤੇ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਡਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੀ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂ ਭੈ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੋਲੋ ਦੈਟ। ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਐਂਗਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਗੋ, ਈਗੋ ਕਿ ਬਾਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮਾਨ,
ठीक है, लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान, ये सारे वेग ने जिन्हां नूं तुसी धारण करना है, इन्हां नूं तुसी रोकना है। ये वेग तुहाडे अंदर तुहानूं कंट्रोल सैल्फ कंट्रोल लियाना चाहिए। बाकी इहदे ते मैं एक कोटेशन लिखी आ, नाम गुरबाणी भरोसा अरदास अते पाणे राही दुखा रोगा ते विघना दा नास। ठीक है, रीड इट लाउडली एवरीवन, रीड करो की है, नाम गुरबाणी भरोसा अरदास अते पाणे राही दुखा रोगा ते विघना दा नास। समझ आई? ठीक है, गुरबाणी सानू आही सिखाती है ना, जिन्ना कि असी गुरबाणी नू पढ़ांगे ना, असी अपने आप एक गुड मेंटल कंडक्ट वाल भी जावांगे, जिहड़ा सानू गुड परसनल कंडक्ट वाल लैके जाएगा। तो जिद्दां परसनल ते मेंटल कंडक्ट वधिया हो गया तो अपने आप ही सोशल कंडक्ट भी उत्तम हो जाएगा। ठीक है, एवरी वन विल प्रेज यू कि वेखो किन्ना प्यारा बच्चा है, किन्नी प्यारियां गल्लां करता है, कदे भी नैगेटिव गल नहीं करता। ठीक है, नैक्सट इज गुड सोशल कंडक्ट। पहली गल है सत्य, ट्रुथ। मैं तुहानू कहा हमेशा सच बोलो, जिहड़ा सच का साथ पकड़ेगा वो कदे डरेगा नहीं। सेकेंड इज अहिंसा, नॉन वायलेंस, मारना नहीं, मार काट नहीं करनी, प्यार नाल भी गल हो जाती है। दैन लव दाई नेबर, अपने आस पास सराउंडिंग्स नूं, प्रकृति नूं, चाहे वह इंसान होए, चाहे जानवर होए, चाहे पेड़ पौधे होन, हर एक नूं प्यार करो। हर एक दे विच्चों तुसीं कुछ सीखोगे। उदन प्लांटेशन ड्राइव हुई, तुसीं उस प्लांट नूं जाके लगाओ, उहदी केयर करो, जिद्दां 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 वह चेंज, उहनूं डेली देखो, उहदा कोई पत्ता नवा निकलिया, कोई पत्ता उहदा कीड़ा लग गया, टेक केयर ऑफ दैट प्लांट। उस प्लांट की केयर करते करते लाइफ के भी लैसन सीख जाओगे, एंड एक डिसिपलिन आएगा लाइफ च, ते तुसी एक अलग ही कनैक्शन फील करोगे। बहुत वधिया लगता सवेरे उठ के तुसी देखो उस प्लांट नूं कि इहदी ग्रोथ च किन्ना का चेंज आया, किन्ना नहीं, ते ट्राई टू लर्न कि वह किद्दां ग्रो कर रहा है, स्लोली ग्रो कर रहा है, अज लाया एक दूजे दिन तो नहीं वो फल देने लग गया, लर्न फ्रॉम दैट प्लांट। ठीक है, नैक्सट इज गुड रिलीजियस कंडक्ट। रिलीजियस कंडक्ट इज दर्शन, दर्शन इज वर्शिपिंग द गॉड एंड टीचर्स, मंत्र जाप, रिलीजियस प्रेयर्स करो एंड मेडिटेशन करो। ठीक है, ये चीज़ा की कर दिया ने, एक तो तुहानू वधिया लाइफ दे लैसन्स मिलते हैं, हुक्मनामा सुनो, उन्हूं समझो, उन्हूं अपनाओ, अपनी जिंदगी फॉलो करो। दूजी गल हैगी है एक डिसिप्लिन, तुसी सवेरे उठोगे, नहाओगे, धोओगे, गुरु घर आओगे, एक डिसिप्लिन बनेगा लाइफ का। आफ्टर दैट यू विल फील वेरी गुड एंड हैप्पी होल द डे, तुहानू लाइट फील होएगा। जिहड़ा बच्चा 11 बजे उठेगा ना, उन्हें पूछो कितना चिड़चिड़ा होएगा, मम्मी ने कहना हाँ भाई रोटी खानी, मैं नहीं खाता रोटी, एवें करके बच्चे गल करते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं। ठीक है, इदा नहीं, सवेरे उठो, लाइफ नू डिसिप्लिन बनाओ, गुरुद्वारा साहब आओ, बैठो, सुनो, पाठ करो, एंड ये सारिया चीज़ा जड़िया है जेडे निमहैंस ते एम्स जिहे जिदा वड्डे इंस्टीट्यूट्स ने, ये तो गल मैं गुरु घर की की है, बट उत्थे जिहड़े रिसर्चिस होंदे ने वो योगा दे रिलेटिड होंदे ने। ठीक है, योगा दे विच भी मेडिटेशन, ध्यान, योगा जिहड़ा है दैट इज़ कंप्राइजिज ऑफ यम नियम, ठीक है, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, समाधि दे लैवल तक लैके जाते, उहदे च जिहड़ा यम नियम हैगा ना, वह तुहानूं लाइफ च वधिया कंडक्ट सिखांदा, वह भी आही कहिंदा ये चीज़ां फॉलो करो, सत्य बोलो, झूठ ना बोलो, मारो ना, आही चीज़ां सिखांदे ने। पहले अपने अंदर वह सैल्फ कंट्रोल लियाना पैंदा, डायरेक्टली तुसी समाधि तक नहीं जा सकते। ठीक है, अब बैठो कदे मेडिटेशन करन, तुसी कदे ध्यान करन बैठोगे ना, अद्धे मिनट तो ज़्यादा तुसी बैठ नहीं पाओगे क्योंकि तुहानू आदत नहीं हैगी। पाठ करन बैठोगे, पाठ तुसी कर रहे हो, जाप कर रहे हो, पर तुहाडे अंदर दिमाग च कुछ होर चल रहा, क्यों चलता है, उस टाइम क्यों चलता, अगे पिछे क्यों नहीं चलता, क्यों तुहानू 50 काम याद आते हैं, अगे पिछे नहीं आते, क्यों इदा क्यों होंदा, कदे सोचा एनीवन? नहीं सोचा ना, क्योंकि जदों असी पाठ करते हैं ना, असी अपने नाल हो के बैठते हाँ, जदों असी अपने नाल होंदे ना, फिर सानू याद आंदा कि ओ साडा ते इह काम, साडी आपदी कॉन्शियस फिर उस टाइम जागदी है। ते जिहड़े निमहैंस ते एम्स जैसे इंस्टीट्यूट ने, उत्थे इह रिसर्चिस होईआं ने जिन्हां ने इह दस्सिआ है कि मैडिटेशन ते इह सारीआं चीज़ां फॉलो करन नाल बॉडी च हुंदा की है। बॉडी विच ब्रेन च ब्रेन डिराइव न्यूरो टॉनिक फैक्टर्स होंदे ने, जिहड़े फैक्टर तुहाडी कॉन्सनट्रेशन नूं इनक्रीज़ करदे ने, जिहड़े फैक्टर तुहाडी मैमरी नूं इनक्रीज़ करदे ने, ध्यान करन नाल, पूजा पाठ करन नाल, पॉजिटिव चीज़ां वल जाण नाल ना, वह फैक्टर तुहाडी बॉडी च इनक्रीज़ हुंदा है। इंटरल्यूकिन्स हुंदे ने बॉडी च, ठीक है, इंटरल्यूकिन्स ने जिहड़े कि फाइट करदे ने अगेंस्ट दी
इनफेक्शनस वो इंटरल्यूकिंस के लैवल रेज होंगे ने, जिहड़ा तुहाडा कोर्टिसोल लैवल है जिहड़ा स्ट्रैस हारमोन है वो लैवल डिक्रीज होंगे ने, ठीक है। तो करके कहते हैं कि रिलीजियस कंडक्ट भी बहुत जरूरी है, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये चीज़ा भी बहुत जरूरी ने। किन्ने बच्चे थोड़े तो नितनेमी है, रेज योर हैंड, जो रोज़ जपजी साहब का पाठ करते हैं, रोज़ शाम को रहराज साहब का पाठ करते हैं, ठीक है। जेडे बच्चे नहीं करते वह करो एंड करके वेखो किदा का थोड़ा दिन जाएगा। मेरा तो परसनल एक्सपीरियंस है, पाठ जिदन भी पाठ किया बहुत वधिया दिन जाता है, मेरे सारे काम परमात्मा आप नाल होके करवाता, मैं पता नहीं चलता, मैं कोई टेंशन नहीं रही, रिलैक्स रहती हूँ। कोई भी कम हो बस अरदास कर दो सच्चे मन नाल, काम ने होना ही होना है, आप रब नाल होके काम करवाता, मेरा परसनल एक्सपीरियंस है। जेड़े बच्चे नहीं करते करो, इस करके नहीं कि तुसी अपने काम करवाने चाहते हो, इस करके कि तुसी अपनी अंदर माइंड नू रिलैक्स रखो, शांत रखो, शांत रखोगे तो तुहाडा प्रोडक्टिविटी लैवल इनक्रीज होएगा, तुहाडे असाइनमेंट्स जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, तुसी जो भी पढ़ोगे तुहानू याद रहेगा, करके वेखो। द नैक्सट इज़ गुड परसनल कंडक्ट। परसनल कंडक्ट च दो चीज़ा आ गई, दिनचर्या ते ऋतुचर्या। ऋतुचर्या मैं तुहानू एक्सप्लेन विच समझा चुकी हाँ लास्ट लैक्चर च। दिनचर्या की गल हुंदी है जिथे कि डे टू डे तुहाडा बिहेवियर, डेली का बिहेवियर, सवेरे उठ ब्राह्मी मूर्त उत्तिष्ठे जीर्णे अजीर्णे निरूपयन। आयुर्वेद च पहली लाइन ही बोलती है कि ब्रह्म मूर्त विच उठो, ठीक है, जीर्ण अजीर्ण अपनी डाइजेशन का वेखो कि किदा की डाइजेशन है किदा की नहीं है, सारे यही कहते ब्रह्म मूर्त विच अमृत वेले उठो, है ना। क्यों उठो, वो शांत टाइम होंदा है, तुहाडी प्रोडक्टिविटी इनक्रीज होंदी, तुहाडा दिन इन्ना लंबा हो जाता ना कि तुहाडे कोल एम्पल ऑफ टाइम होंदा है, तुसी उस टाइम नू मैनेज करो। हर बंदे कोल 24 घंटे है, मेरे कोल भी 24 घंटे, तुहाडे कोल भी 24 घंटे है, हर बंदे कोल 24 घंटे है, पर उस 24 घंटे नू तुसी मैनेज किद्दां करदे हो ना वो मैटर करता है। जिन्नी जल्दी उठोगे उन्नी जल्दी तुहाडा डे भी अच्छा रहेगा, तुसी तंदुरुस्त रहोगे, एक्सरसाइज करन दा टाइम मिलेगा, पाठ करन दा तुहानू टाइम मिलेगा, तो वह सारिया चीज़ा तुहाडे इम्यून रिस्पोंस नू भी वधाउणगियां। जिन्नी लेट उठोगे उन्ना मैटाबोलिज़म भी तुहाडा लेट होएगा, ब्रेकफास्ट लेट करोगे मेटाबॉलिज्म भी गड़बड़ होएगा तो बीमारियाँ लगनगियाँ, इस करके टाइम से उठो, ठीक है, सो दैट तुहाडा मेटाबॉलिज्म भी स्टार्ट हो जाए प्रॉपरली। दिनचर्या विच की आंदा है, राइजिंग सवेरे उठो टाइम सिर, नैचुरल अर्जिस, दैन हैड ऑयल, ऑयल करो हैड ते, बड़ा कुछ है, बहुत लंबा है वो, बट मैं शॉर्ट से लिखा, क्लीनलीनैस नहाओ तो अपने आप में फ्रैश करो। कई बच्चे नहाते नहीं, हूँ स्कूल नहीं जाना जी, 12 बजे नहावे शाम ही नहाँगे फिर की हो गया, असी कितने जाना है घर ही रहना, वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। एक डिसिप्लिन चाहिए लाइफ से जो सक्सैसफुल होना है, तो दैन मसाज, बॉडी नू मसाज की भी जरूरत होंगी है, मसाज करो, एक्सरसाइज करो, दैन बाकी अपना जो डेली रूटीन है दिन के अपने काम काज करो, एंड राइट टाइम स्लीप। स्लीप भी मैं तुम्हें दसता सीगा क्यों इंपॉर्टेंट है। नैक्सट इज़ गुड मॉरल कंडक्ट, ठीक है, तुहाडी मॉरल वैल्यूज़। असी कहने ना कोई भी बच्चा वधिया काम करता तो हाँ जी भाई इहदे पेरेंट्स ने इहनू अच्छी शिक्षा दित्ती हुई है, कोई भी बच्चा एवें कोई गलत काम करता है कहने हाँ जी इहदा ते खानदान ही एवें दा, इहदे पेरेंट्स ने सिखाया ही कुछ नहीं, वो मॉरल वैल्यूज़ तुहानू कित्थों आंदियां ने, तुहाडी फैमिली चों, तुहाडी सोसाइटी चों, है ना। तो वो मॉरल कंडक्ट भी तुहाडा बहुत वधिया होना चाहिए। वो गुड मॉरल कंडक्ट विच की है, सर्विंग द एल्डरली पीपल, अपने ते वड्डे बजुर्गों की हमेशा मदद करो, उन्होंने सर्व करो, उन्होंने सेवा करो, रिस्पैक्ट फॉर द पेरेंट्स, पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करो। दैन अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स, दोस्त ने, ब्रदर सिस्टर्स ने, आपस से अंडरस्टैंडिंग मेनटेन रखो। अवॉयड एल्कोहोल, स्मोकिंग लाइक ड्रग एडिक्शन, ठीक है, ये सारिया चीज़ों छोड़ो तो गुड मॉरल कंडक्ट, क्योंकि जे बड़ियां दा सत्कार सेवा करोगे उन्होंने तुहानू आशीर्वाद ही देना है, ब्लैसिंग्स ही मिलनिया ने, ते उहदे बाद पेरेंट्स की रिस्पैक्ट करो, एंड रिलेशन च अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो स्ट्रैस नहीं होएगा। अजकल मैक्सीमम जिहड़ा स्ट्रैस है वो रिलेशनशिप विच ही हैगा। तो सैकेंड इज एल्कोहोल ते स्मोकिंग, जिहड़ी ड्रग एडिक्शन ने तुसी आप सारे जानते हो, हुण असीं फर्स्ट डे तो हर चीज़ समझा ही रहे हां, स्मोकिंग तुहाडे लंग्स नूं खराब करेगी, एल्कोहोल लोगे तो तुसी तुहाडा लीवर खराब होएगा, ड्रग्स लोगे तो पूरी बॉडी ते ही मल्टीपल ऑर्गनस ते इफेक्ट पैंदा। हुण नैचुरल फूड्स ने कुछ, इहदे विच आ गया हरितकी, हरितकी इज़ हरड़, हरड़ का चूर्ण भी मिल जाता है, इहदे की करने होंदे आ फ्रूट पीसिस लैने होंदे आ, 4 पार्ट ऑफ वाटर विच उन्हूं बॉयल करो, सॉफ्ट हो जाएगा, कूल डाउन करो,
इहदा सिंपली पाउडर भी मिलदा हुंदा। असी मोस्टली जिहड़े भी साडे कोल पेशेंट्स आंदे ने ते कंप्लेन ऑफ कॉन्स्टिपेशन, असी इह पाउडर देईदा हुंदा रात नूं। इह थोड़ा अद्धा चमचा पाउडर लै लो कोसे पानी दे नाल, एंड मॉर्निंग तुहाडे बॉवल्स क्लीयर हो जाणगे, ठीक है। ते ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੈਮਰੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਿਓ ਨਾਲ ਲਵੋਗੇ ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ। ਡੇਲੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਸਾਇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਮਰੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਆਈਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦਾ। ਲੈਮਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਟੋਕਸਿਨਸ ਨੂੰ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੋਕਸਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਜਰ, ਅਦਰਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉੜਦ ਦੀ ਦਾਲ, ਮਾਂਹ ਦੀ ਦਾਲ ਖਾ ਲਈ, ਰਾਜਮਾਂਹ ਖਾ ਲਏ, ਬਾਏ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਸਣ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਕ ਪਾਓ, ਹੀਂਗ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਰਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਸ ਆਮ, AMA। ਆਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਅੰਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਆਮਾ ਵਰਡ ਮੀਨਸ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫੂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੋਰ ਬਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੇਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ 'ਚ ਹਾਲੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਦੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਉਹ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੇਜ਼ੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਮ ਆ ਕਿ ਉਹ ਚਰਬੀ ਜੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜਿੰਜਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਲਪ ਆਊਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਊਮਿਨ ਸੀਡ, ਜੀਰਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੰਮੀਆਂ ਤੜਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਈਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ, ਬਾਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਉਹੀ ਅਨਡਾਈਜੈਸਟਿਡ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ, ਦੋਸ਼ਾਸ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦਾ। ਦੋਸ਼ ਉਹੀ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਹੀ ਵਾਤ ਪਿੱਤ ਕਫ ਦੀ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ 'ਚ ਨਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਤਮ ਪੰਗੂ ਕਫਮ ਪੰਗੂ ਪੰਗਵੋ ਮਲਧਾਤਵਹਾ ਵਾਯੂ ਨਾਮ ਤਤ੍ਰ ਨਿਯੰਤੇ ਤਤ੍ਰ ਗੱਛੰਤੀ ਮੇਘਵਤ। ਵਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟਰਲ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਣੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੈਸਪਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੂਡ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਥੱਲੇ, ਪੈਰੀਸਟਾਲਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਬਟ ਵਾਯੂ ਦੈਟ ਵਾਤ ਦੋਸ਼ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਵਾਯੂ ਸਤੰਤਰ ਯੰਤਰ ਧਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਯੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, ਕਫ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਸਭ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੀਨ ਗ੍ਰਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ, ਹਰੀ ਮੂੰਗ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਟ ਟੂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੈੱਟ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਡੇਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਸ, ਫਿਗਸ ਅੰਜੀਰ, ਡੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਖਜੂਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੇਲੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਖਾਓ, ਦੋ ਖਾਓ, ਬਟ ਖਾਓ। ਆਲਮੰਡਸ, ਬਦਾਮ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ 5 to 8 ਬਦਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਬਦਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਸਵੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੇਟਿਡ ਰੱਖਦਾ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਲਈ, ਅਤੇ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਲੱਸੀ, ਲੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੱਸੀ ਬਹੁਤ ਨਿਊਟ੍ਰੀਟਿਵ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵਧੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡਾਈਜੈਸ਼ਨ ਸਹੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟਸ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੋਭੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੋਭੀ ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਟਰਾਈ ਨੋਟ ਟੂ ਟੇਕ ਦਾ ਫਰੂਟਸ ਐਂਡ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜੋ ਸੀਜ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਸੀਜ਼ਨਲ ਫਰੂਟਸ ਅਤੇ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਹੀ ਖਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਖਾਓ। ਦੈਨ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ, ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਮੈਥਡ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ WHO ਨੇ ਇਮਿਊਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਰਨ ਪ੍ਰਾਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਰੋਪਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਡਰੋਪਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਦਾਂ ਡਰੋਪਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਣੇ ਕਿਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਤੇ ਔਸ਼ਧੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਤੇ ਔਸ਼ਧੀਜ਼ ਮਤਲਬ ਉਹ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੇਨ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਅਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ,
ठीक है, तो स्वर्ण भसम गोल्ड की भसम होंगी है, तो मधु शुद्ध मधु, मधु इज हनी, ठीक है। किता किनू किनू देना, ए फर्स्ट डे ऑफ द बर्थ टिल द एज ऑफ 16 ईयर्स, टुडे यू गो एंड रेफर द इम्यूनाइजेशन शेड्यूल का की हिसाब है, फ्रॉम बर्थ टिल 16 ईयर्स ऑफ एज अलग अलग टीके ने तुहाडे कार्ड कार ना तुहाडे कार्ड पे होने इम्यूनाइजेशन दे जाके वेखो। स्वर्ण प्राशन का भी उही सिस्टम है, बर्थ के फस्ट डे तो लैके आप कहें ना की कहें गुरुत्ती दिती है जी, तुसी स्वर्ण प्राशन की दुआओ गुरुत्ती, बच्चे की इम्यूनिटी वधिया रहेगी, 16 साल तक दो। दैन टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वैसे तो रोज़ दे सकते हैं, बट ना एक स्पैशल टाइम किया होया पुष्य नक्षत्र, ठीक है। दैन इट शुड बी डन मिनिमम फॉर 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 6 महीनों तो 1 साल तक तुसी कॉन्टीन्यूअसली कर सकते हो, या 16 ईयर्स भी हर बारी जो पुष्य नक्षत्र आता तुसी उदों एडमिनिस्टर करवा लो। ये बेनीफिट की ने, ये इम्यून सिस्टम नू स्ट्रेंथन अप करता है, फिजिकल स्ट्रेंथ वधांदा है, ग्रासपिंग पावर, रिटेंशन पावर, मैमरी बहुत वधिया होंदी है, डाइजेशन पावर वधिया होंदी है, स्किन कंपलैक्शन वधिया हो जाता है, तो फ्री रेडिकल्स नू रिमूव करता है। हुण फ्री रेडिकल्स की होंदे है, फ्री रेडिकल्स जिहड़े ने ना तुहाडे बॉडी दे विच जाके तुहाडे सैल्स नू खाना स्टार्ट कर देंदे ने, ठीक है। साडी बॉडी विच डेली वियर एंड टीयर होंदा, नवे पुराने सैल मरदे, नवे सैल बनते जाते हैं, तो फ्री रेडिकल जिहड़े ने ओह तुहाडी बॉडी विच ना सैल्स नू खाना स्टार्ट करते हैं। जिहड़े बंदे दी बॉडी विच फ्री रेडिकल ज़्यादा काम करते हैं ना, वह जल्दी वीक होंदा जांदा, उहदी इम्यूनिटी जल्दी तो जल्दी लॉस होंदी है, वह बीमार बहुत पैंदा, तो वह एजिंग वल चलिया जांदा, बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता उहनू। इस करके असीं कहिंदे एंटी ऑक्सीडेंट्स लवो, एंटी ऑक्सीडेंट्स जिहड़े ने वह फ्री रेडिकल्स नू खत्म करन दा काम करते हैं। आंवला वगैरह लवो, डेली बेसिस ते लवो, आंवले दा मुरब्बा लै लो, आंवले दी चटनी लै लो, आंवला कैंडी लै लो, किसी भी फॉर्म विच लै लो, आंवला लै लो, ठीक है, दैट इज़ वेरी गुड। लैमन जूस लै लो, संतरे सिट्रस फ्रूट्स तुसी लै लो, दुध रोज़ पियो, घ्यो रोज़ पाओ अपनी रोटी विच, चाहे 1 चमचा ही पाओ पर पाओ जरूर, ठीक है। ये सारिया चीज़ा जिहड़ियां ने ना तुहाडी बॉडी विच इनफेक्शनस नू घट करदिया ने, इम्यून रिस्पोंस नू वधांदियां ने। दैन एलर्जी, सीजनल एलर्जीज, मौसम चेंज होया एलर्जी होगी उहदे अगेंस्ट भी ये तुहानू एक वधिया एक प्रिवेंशन दिंदा, ते टीथिंग फेज बच्चे जदों दंद कटदे उहनां नू बीमारियां हो जांदियां ने, उहदे विच भी फर्क पैंदा है। दैन हुण कुछ लिस्ट मैं इत्थे बनाई हुई है, तुहानू पीपीटी शेयर कर दित्ती जाएगी ग्रुप च, तुसी देख लियो। ये कुछ ड्रग्स दे मैं नाम लिखे ने, बोटैनिकल नेम, कॉमन नेम ते प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ए एकोरस कैलमस वचा, वचा जिहड़ी है न्यूरो स्टिमुलेंट ते एंटी एजिंग होंदी है। एलियम से टाइवन इज लसुन, घृत कुमारी, एलोवीरा। ट्राई करो कि ये जिहड़ियां 5-10 मैं इत्थे 10 दी लिस्ट बनाई है, तुसी जिहड़ी जिहड़ी भी ना पॉट विच लगा सकदे हो, अपने घर ही छोटे छोटे गमलियां विच छोटा जिहा अपना मेडिसिनल गार्डन बना लो, बहुत हेल्पफुल हुंदा है, ठीक है। ब्राह्मी तुहानू असी ब्राह्मी वटी दित्ती हुई है, वो रोज़ 1-1 टैबलेट लैना शुरू करो। शतावरी, निंब, नीम, अश्वगंधा भी तुहानू शायद दित्ती है असी, अश्वगंधा भी लवो। गुडूची, गुडूची दी टैबलेट्स भी मिल जांदी है, गुडूची दी बेल घर लगा लो, हुण बरसात दा मौसम है, कुछ भी कितों भी ला लिया के लगा लोगे ना, एक पत्ता भी उहने भी तुहाडी वधिया ग्रो कर जाना है। गुडूची साहब अपने घर लगा लो, बेल हुंदी है। यष्टी मधु, मुलट्ठी, मुलट्ठी दा चून मैं पहले दिन पिछले लैक्चर से भी समझाया सी, सारे ही लै सकदे ने, ऑल एज ग्रुप वाले। हर रोज़ सवेरे उठ के फ्रैश होने तो बाद 1/2 चमचा मुलट्ठी का चून खाली पेट लै लो, दुध दे नाल लै लो, जिन्हों दुध नहीं सूट करता, कई बंदे लैक्टोस इनटॉलरेंस वाले होंगे जिन्हों दुध नहीं सूट करता, पानी नाल लै लो। बुजुर्ग होन, बच्चे होन, कोई भी होवे, इन्हें कोई नुकसान नहीं करना, इन्हें मित ते रसायन का काम करना है, तुहाडी यूथफुलनैस नू मेनटेन करना, तुहाडी ब्रेन, तुहाडी कॉन्शियस, तुहाडी मैमरी, हर चीज़ नू बहुत वधिया एक बहुत अच्छा रिजल्ट तुहानू मिलेगा। दैन आंवले की गल मैं हुणे कीती है, एंटी ऑक्सीडेंट ते इम्यूनो स्टिमुलेंट होंदा, ठीक है। दैन जे सारी गल आ जाके साडे बाबा नानक जी ने भी की कहा सी, किरत करो, नाम जपो, बन छको। किरत करोगे, होनेस्टली कमाओगे, झूठ नहीं बोलोगे, सच की कमाई करोगे, हमेशा खुश रहोगे, हमेशा बरकत होएगी, ठीक है। दैन नाम जपो, नाम जपो मैं तुहानू दसता, मेडिटेशन नाल, ध्यान नाल, गुरबाणी पढ़न नाल की होंदा, तुसी सीधे राह पवोगे, गलत जान लगोगे तां भी सीधे हो जाओगे कि नहीं नहीं बाबा जी ने यह गल की मैं काम नहीं करना, ठीक है। तो वंड छको जिन्ना तुसी शेयर, कहिंदे शेयरिंग इज केयरिंग, तो एक मैं तुहानू दस्सिया मोरल कंडक्ट विच की सी, अंडरस्टैंडिंग इन रिलेशनशिप्स, तो जिन्ना कि तुसी शेयर करोगे
उन्नी की तुहाडी एक वधिया एक मॉरल कंडक्ट बनेगा तुहाडा। तो देखो ये सारिया गल्लां मैं अज समझाइया ने, पर साडे बाबा जी भी सानू उही राह ते पा के गए ने, ठीक है। आई होप तुसी सारे सारिया चीज़ां फॉलो करोगे ते अपने इम्यून रिस्पोंस नू ते तुहाडे नू इम्यूनाइजेशन नाल टीकियां नाल सैट कीता होया, बट ये चीज़ां नाल भी तुसी आप दे इम्यून रिस्पोंस नू होर वधाओगे, ठीक है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।